देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। मैं राशिद अली। करते हैं शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ, जिसमें खबर है राजस्थान से लेके। जी हाँ, राजस्थान में आपने जाना कि हाल ही में उपचुनाव हुआ और जिसमें उपचुनाव में कड़ी टक्कर देखने को मिली। ये लड़ाई उपचुनाव के नेताओं के बीच नहीं, दरअसल लड़ाई बन गई थी वसुंधरा वर्सेज सचिन। जी हाँ, और ये लड़ाई कहीं ना कहीं सीएम पद की दावेदारी को भी लेकर जानी जाती रही। और अब चर्चा है वहाँ के आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर। जैसा कि आपने देखा कि राजस्थान उपचुनाव में दो संसदीय सीट और एक विधानसभा सीट के लिए चुनाव हुए। उन उपचुनावों में तीनों ही सीट अलवर और अजमेर की लोकसभा सीट पर कांग्रेस जीती, और वहीं मांडलगढ़ की सीट पर विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की। इस तरह हम कह सकते हैं कि तीनों सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। तो वहीं इन चुनावों के नतीजों से जो बीजेपी में जो चिंता का विषय बड़ा है, बाकी लाजमी सी बात है कि चिंता होनी भी चाहिए, क्योंकि जब ऐसा वहाँ की सरकार जो चुनावों में हार रही है तो वहाँ आने वाले विधानसभा चुनाव है और उस क्षेत्र में, ना कि सिर्फ क्षेत्र में बल्कि राज्य में, कि इसका क्या असर पड़ेगा। तो वहीं एक खबर आई है जो कि वसुंधरा राजे को लेकर है। आपको सीधा दिखाना चाहूँगा, नई सोशल इंजीनियरिंग से क्या पास होगी बीजेपी। जी हाँ, राजस्थान में बीजेपी सरकार से खासकर वसुंधरा राजे को लेकर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तेजी से निर्मित हो रहा है। जी हाँ, आखिर क्या है ये मामला हम जानते हैं। क्या राजस्थान से बीजेपी की विदाई तय? जी हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है और साल के अंत तक जो कि वहां पर आने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं, और उसको लेकर क्या होने वाला है वो मैं आपको बता दूं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल जो कि शुरू में आपने देखा, क्या राजस्थान से बीजेपी की विदाई तय, ये सवाल वहाँ की जनता पर, जो इसका जवाब वहाँ की जनता ही देगी आने वाले विधानसभा चुनावों में। लेकिन इस खबर को गहराई से पढ़ाने के लिए, राजस्थान की लड़ाई कैसे, उपचुनावों की लड़ाई कैसे सिंधिया बनाम सचिन पायलट बन गई, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तीन सीटों पर हुए उपचुनावों में मिली हार के बाद सीएम वसुंधरा राजे एक्शन में दिख रही हैं। वसुंधरा राजे ने एक बार फिर से जनता का विश्वास हासिल करने के लिए जिलाधीशों को सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने और फील्ड में जाकर लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी तो राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का ज्यादा से ज्यादा लाभ आम जन तक पहुंचेगा। राज्य ने जिलाधीश सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2018-19 के बजट की घोषणाओं को धरातल पर लाने के लिए अभी से काम शुरू कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों की कर्ज माफी के संबंध में आवश्यक कार्रवाई शीघ्र शुरू कर उन्हें राहत दिलाएं और समर्थन मूल्य पर खरीद, शौचालय निर्माण की किस्त सहित प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों का लंबित भुगतान शीघ्र सुनिश्चित किया जाए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने जिलाधीशों को आम जन से जुड़ी समस्याओं के त्वरित निस्तारण की उचित निगरानी करने, विभागों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करने, रात्रि चौपाल कार्यक्रम का ज्यादा प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने जैसे उपायों कर लोगों को खुशहाल बनाने पर ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं देखने वाली बात यह है कि जब उपचुनावों की तैयारी चल रही थी तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने पूरे जोश में दिख रही थी और कांग्रेस कहीं ना कहीं उससे एक कदम पीछे चल रही थी। लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी ये सोच रही थी कि राज्य में उसकी सरकार है और इन उपचुनावों में भी कहीं ना कहीं उसकी जीत होगी। लेकिन तीनों उपचुनावों में जहां की दो सीटें जो कि लोकसभा सीट थी अलवर और अजमेर, और एक मांडलगढ़ विधानसभा सीट थी, इन तीनों पर जो नतीजे आए वो बेहद ही चौंकाने वाले निकले। आपको बता दें कि तीनों पर ही कांग्रेस ने भारी जीत दर्ज की। जी हाँ, दोनों संसदीय सीट लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने भारी मतों से जीत दर्ज की और मांडलगढ़ विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस की जीत हुई, जिससे कांग्रेस को एक उम्मीद जगी और बीजेपी बैकफुट पर नजर आई। यानी कि इन उपचुनावों में कांग्रेस को ही जीत मिली, जिसके बाद बीजेपी सरकार जवाब देने से बचती रही। लेकिन बीजेपी सरकार की माने तो कहीं ना कहीं इस चुनाव से उन्हें अंदेशा लग गया कि आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे उनके लिए ऐसे ही साबित हो सकते हैं। इससे पहले उन्हें जी तोड़ मेहनत करनी होगी और जमकर प्रचार प्रसार करना होगा और लोगों तक
पहुंचना होगा, जैसा कि कांग्रेस इन दिनों कर रही है। आपको बता दें, कांग्रेस राजस्थान कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट के नेतृत्व में ये चुनाव हुए थे और उन्हीं की बदौलत, उनकी मेहनत रंग लाई और तीनों सीट पर उन्होंने चुनाव जीता। और इसका अंदाजा विधानसभा सीटों पर लगाया जा रहा है कि अब आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कहीं ऐसा नतीजा दोबारा ना आए जो नतीजा कांग्रेस के पक्ष में निकले। तो देखा आपने कि किस तरह से ये उपचुनाव की लड़ाई कितनी महत्वपूर्ण थी विधानसभा चुनावों के लिए, क्योंकि इसमें जहां बीजेपी बैकफुट पर आई तो वहीं कांग्रेस को अपनी ताकत का अंदाजा पता चला। कांग्रेस की ताकत दुगनी हुई और उसे लगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक नई उम्मीद की किरण जगी। तो वहीं बीजेपी सरकार के लिए खबर कि क्या राजस्थान में बीजेपी की विदाई तय, जी हाँ, ये तो तभी पता चलेगा। लेकिन आम जनता के बीच इस सवाल का जवाब तो अरसे से मौजूद है, लेकिन अब लगता है कि खुद बीजेपी ने भी इसे समझ लिया है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि खबर में ऐसा सीधे सीधे साफ तौर पे लिखा है कि आम जनता के बीच ये सवाल का जवाब तो अरसे से मौजूद है, लेकिन अब लगता है कि खुद बीजेपी ने भी इसे समझ लिया है। पिछले साल राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के जयपुर दौरे पर भले ही टारगेट 180 का नारा दिया गया, लेकिन अब इसे पाना तो दूर, सत्ता बचा पाना भी मुश्किल लग रहा है। फरवरी के पहले हफ्ते में तीन उपचुनावों में हार और मार्च के पहले हफ्ते में स्थानीय निकाय चुनावों में हार ने बीजेपी के सामने बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। सत्ता बचाई जाए तो आखिर कैसे? राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस साल के आखिरी में चुनाव हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 15 साल से बीजेपी सत्ता में है, दोनों ही राज्यों में बीजेपी जो है वो सत्ता में है। लेकिन और आपको मध्य प्रदेश की बात बता दूं, जहां मध्य प्रदेश में भी हाल ही में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, कोलारस और मुंगावली, वहां पर भी कांग्रेस ने बीजेपी को मात दी। जी हां, उत्तर और मध्य भारत के ये तीन राज्य अहम हैं। इनके तुरंत बाद अगले साल अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में अगर इन तीनों राज्यों में बीजेपी हारती है तो लोकसभा चुनाव से पहले विपरीत हवा बनने में देर नहीं लगेगी। जी हाँ, अगर ऐसे में इन तीन राज्यों में बीजेपी हारती है तो लोकसभा चुनाव में और उस चुनाव से पहले ही विपरीत हवा बनने में देर नहीं लगेगी। 2013-14 में हमने सबने देखा कि इन राज्यों में एक तरफा जीत के बाद कैसे लोकसभा चुनाव में मोदी सुनामी निर्मित हो गई थी। हालांकि संघ, शाह और मोदी की जोड़ी में हार ना मानने का जज्बा दिखता है। त्रिपुरा समेत उत्तर पूर्व के राज्यों में कांग्रेस और लेफ्ट को पछाड़ने का पहाड़ जैसा काम करके दिखाना इसका सबूत रहा है। जी हाँ, राजस्थान में भले ही फिलहाल जनमानस बीजेपी की सत्ता में वापसी को मुश्किलें ही नहीं नामुमकिन बता रहा हो, लेकिन लगता ही नहीं कि संघ, शाह, मोदी की तिगड़ी इतनी आसानी से वहां पर गिव अप करेगी। जी हाँ, तो वहीं वाकई देखने वाली बात होगी कि आखिर ऐसा क्या है। तो वहीं गैरों से नहीं, अपनों से भी वसुंधरा राजे जो हैं वो अपनों से भी घिरी रही हैं। अपनों बाहर वालों से लड़ना तो दूर, विपक्ष से लड़ना तो है ही है, लेकिन अंदर खाने भी वो एक गृहयुद्ध का सामना कर रही हैं। अब अचानक सैनिक को सामने लाने के पीछे जीत के लिए जरूरी सोशल इंजीनियरिंग के गुणा भाग हैं। तीनों उम्मीदवार पिछड़े वर्ग से हैं। जी हाँ, 2 OBC और 1 ST से। हम आपको बताएंगे कि अब तक सर्वणों की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी को क्यों पिछड़े वर्ग पर ध्यान लगाना पड़ा। लेकिन पहले आपको बता दें कि किरोड़ीलाल मीणा और मदनलाल सैनी के बारे में, जो कि अभी किरोड़ीलाल मीणा भी उसमें शामिल हो गए हैं। जी हाँ, तो आपको राज्यसभा के लिए चुने गए उम्मीदवारों के नाम, इसकी झलक देखने के लिए पर्याप्त है। बीजेपी इतनी आसानी से मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है। राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव, अनुशासित समिति अध्यक्ष मदन लाल सैनी और पार्टी में पुनर्वापसी करने वाले किरोड़ी लाल मीणा को उम्मीदवार बनाया गया है। भूपेंद्र यादव 2012 से राज्यसभा सांसद हैं और उन्हें दोबारा चुना गया है, लेकिन बाकी दोनों नाम चौंकाने वाले हैं। जी हाँ, जाहिर सी बात है, इन उम्मीदवार ये जो अगले आने वाले चुनावों में इन खिलाड़ियों को लाया गया है, आने वाले चुनावों के लिए इन बड़े बड़े खिलाड़ियों को मैदान में उतारा गया है, ताकि बीजेपी ने अभी से चाल चलनी शुरू कर दी और वो अपनी हार इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। तो देखा जाएगा कि आखिर बीजेपी की यह चाल, यह रणनीति कितनी कामयाब होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसे किसी खास मुद्दे को लेकर।
तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।